हेलो रॉक स्टार्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात कर लिया था कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है और ये किस में होता है, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कुछ ये छूट गया था कि यहाँ माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन तो हो गया है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद का हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो मेगा स्पोर बना है, ठीक है, क्या है माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन चुका है, ठीक है, इसकी प्लॉयडी क्या है, एन। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओह शिट, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, ठीक है, यहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। यही माइक्रोस्पोर आगे जाकर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन, क्या होगा, पॉलन ग्रेन। यही आगे जाकर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहे हम लोग, तो पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम लोग एग्जाइन कहते हैं, इनर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है। इनर वाली लेयर क्या है, इंटाइन, इनर इंटाइन, ठीक है। और पॉलन ग्रेन में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक जो लार्ज वाली सेल दिखाई दे रही है इसे कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, और ये स्मॉल, ये छोटी वाली सेल दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ एग्जाइन वाली लेयर क्या है, डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन एक जगह क्या होता है, ये वाली लेयर एब्सेंट होती है यहाँ पर, और इस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जर्म पोर। यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, मतलब यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस सेम जैसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पढ़े थे, सेम वैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक। और मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉयडी क्या होती है, 2N। सेम जैसे माइक्रोस्पोर में क्या था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉयडी होती है 2N। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगा, और एक मियोसिस से चार सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चारों की प्लॉयडी क्या होगी, N। लेकिन चार सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्पोर में भी और मेगास्पोर में दोनों में चार सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, ये जो तीन होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल केवल एक ही होता है, ये वाला एक कैसा होता है, फंक्शनल, ठीक है। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक मियोसिस से 4 सेल में फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ डी जनरेट हो जा रहे हैं, 3 एक ही फंक्शन हो रहा है। ठीक, ठीक है। अब यही ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बच्चा है, ठीक है, इसी से क्या होगा आगे जाकर, ये सब प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस हो चुका है, अब माइटोसिस होगा यहाँ पर। ठीक है, माइटोसिस होगा तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, देन इसमें फिर माइटोसिस होगा तो 2 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 2 सेल, देन इसमें फिर माइटोसिस होता है, 2 से 4 और 2 से 4, टोटल 8 यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर एक सेकेंड, हम एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मेशन हो गया, इसमें क्या होता है, एक क्या होता है सेंटर में आता है, एक नीचे से और एक ऊपर से, दोनों तरह से। अब ये कुछ इस तरह से अब दिखाई देने लगा है। ठीक है, और ये जो एक ऊपर से और एक नीचे से 2 न्यूक्लियस आए थे सेंटर में, वो इसी तरह होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें टोटल कितने सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसमें हमें सेल्स कितनी दिखाई रही है, 7 सेल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 7 सेल, 3 ऊपर 3 नीचे और एक ये बीच वाली सबसे बड़ी है, वो 7 सेल। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस कितना दिखाई दे रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, 8 न्यूक्लियस, और ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ये अब सेल देख लेते हैं, किसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, यहां पर देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाली तीन तीन सेल होती है, ठीक है, तीनों सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल। लेकिन जो 2 नीचे वाली सेल होती है, ये और ये वाली, इन 2 सेलों को हम कहते हैं सिनर्जिड। और सिनर्जिड सेल में थोड़ा सा कुछ स्पेशल फीचर होता है, इसमें ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पॉलिन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कि कहाँ एंटर करना है। इस वाले रीजन को भी चलाजल एंड कहते हैं, और नीचे वाले को माइक्रोपैलर एंड कहते हैं। और जो ये जो न्यूक्लियस है, इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, जैसा कि इसमें दिख रहा है। और ये जो 2 सेल के बीच में एक और सेल मैंने बनाया था, ये वाली जो सेल होती है, इसे एग सेल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन हम यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, इसका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा है, इस पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अगर हम बात करें पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं, पॉलिनेशन के टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन पहला क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें जिसमें टू टाइप्स होते हैं, पहला ऑटोगैमी और दूसरा क्या होता है जिप्नोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही टाइप होता है जिनोगैमी। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। टू टाइप्स के होते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ की बात करें तो इसमें टू टाइप्स हो सकते हैं, ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही होता है जिनोगैमी। अब हम देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या हो सकती है इनके लिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, अरे सॉरी, अगर ऑटोगैमी है ऑटोगैमी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑटोगैमी के लिए प्लांट कैसा होना चाहिए, प्लांट तो बायसेक्सुअल होना ही चाहिए, साथ में फ्लावर भी बायसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर भी कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल। फ्लावर और प्लांट दोनों बायसेक्सुअल होने चाहिए। इसकी एग्जांपल मतलब किसमें ऑटोगैमी पॉसिबल है, तो सनफ्लावर और मैंगो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, सनफ्लावर और मैंगो में जो फ्लावर होता है, ठीक है, इनमें ऑटोगैमी पॉसिबल है। दूसरा क्या आता है, दूसरा है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी इसमें क्या होगा, जो प्लांट होगा प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट। ठीक है, प्लांट सेम और फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए इसमें। और इसका जो एग्जांपल है, कैस्टर हो गया, ठीक है, कोकोनट और कैस्टर, इनमें क्या होता है, इनमें जिटोनोगैमी पॉसिबल होता है। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लांट सेम होना, प्लांट सेम हो बट फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी जिटोनोगैमी पॉसिबल है। थर्ड क्या आता है, जिनोगैमी। इसमें क्या था, प्लांट सेम प्लांट था और इसमें सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है, इसमें तो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। इसमें प्लांट कैसा होगा, डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा, प्लांट डिफरेंट। एंड ऑल्सो फ्लावर भी कैसा हुआ, डिफरेंट हुआ। लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, बट स्पीसीज सेम होनी चाहिए
ऐसा नहीं है कि एक मैंगो का है तो दूसरा बनियान ट्री का होना चाहिए, ठीक है। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्लांट डिफरेंट होनी चाहिए और फ्लावर डिफरेंट होनी चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। और ये होता किसमें है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डेट पाम, मेज, ठीक है, ठीक है। मेज और डेट पाम इनमें क्या होता है, जीनोगैमी होता है, ठीक। तो ये क्या है, पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप्स। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या है पॉलिनेशन क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का प्रोसीड इन टू स्टेप, ठीक है। टू स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहला क्या है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, इसमें हम एंथर को ही कट करके अलग कर देते हैं, मतलब अगर कोई फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, इसमें दिया हुआ, ठीक है। एंथर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। और जो नेक्स्ट दूसरा क्या होता है हमारा, बैगिंग। इसमें क्या, ऐसा कि इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो स्टिग्मा होता है, ऐसा स्टिग्मा है, स्टिग्मा को ही हम कवर कर देते ताकि पॉलन ग्रेन आ ना सके और पॉलिनेशन ना हो सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। इसमें दिख रहा होगा, मास्क बाई बैग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो स्टिग्मा पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम कवर कर देते हैं पॉलीथीन या किसी बैग से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। बात करें हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग कराते हैं क्यों, है क्या ज़रूरत पड़ी, तो हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग इसलिए कराते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराना है इसमें, तो ये हमारा क्या होता है। तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, हम एंथर को रिमूव करते हैं, और बैगिंग में क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है उसको हम कवर कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैगिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, यहां समझाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ क्या हो गया था, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन से लेकर पॉलन ट्यूब बनने तक, पॉलिनेशन फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पॉलन ट्यूब बनने से बनने के बाद जब तक पॉलन ट्यूब एंटर न कर जाए ओवरी में, पॉलन ट्यूब ओवरी, ठीक है। पॉलिनेशन से लेकर पॉलन ट्यूब की एंट्री तक, इस पूरे प्रोसेस के बीच जो भी पॉलन और पिस्टल के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यही क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या हो सकता है, या तो पॉलन एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। यही क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर एक्सेप्ट होगा तब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन क्या होगा, रिजेक्ट करेगा, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक्सेप्ट होने बाद पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो सबको पता होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर शायद पॉलन,
ठीक है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरा पॉलिंग ट्यूब यहाँ बना देता हूँ। पॉलिंग ट्यूब में कितनी सेल्स थी? दो सेल, एक सेल का नाम क्या था? वेजिटेटिव, और दूसरा क्या था? जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल है आगे जाकर डिवाइड हो जाती है और टू न्यूक्लियस, ठीक है, यही सेल क्या होती है आगे जाकर डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, इसे हम कहते हैं मेल गैमिट। ठीक है, जेनरेटिव सेल आगे जाकर डिवाइड होती है और टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये जो दोनों मेल गैमिट है, मेल गैमिट, ये एंटर करेंगे कहाँ? इस वाले में। ठीक है, मेल गैमिट यहाँ एंटर करने वाले हैं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या था? एक्सेल। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो क्या करता है? पॉलिंग ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें टू मेल गैमेट थे, ये एंटर करते हैं किसमें? ये दोनों में से किसी एक में एंटर करेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों मेल गैमेट है पहले इसमें एंटर करते हैं, और इसमें पोलर न्यूक्लियाई था बीच में। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई ऐसे, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट एंटर करेंगे सिनर्जिड, अरे फिलिफॉर्म एपरेटस में, दोनों एंटर कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें ये होता क्या है? न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट क्या होता है? फ्यूज होता है एक सेल से। ठीक है, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज होता है, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है? पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, पोलर। ठीक है, एक फ्यूज हो रहा है फीमेल, अरे एक सेल से, ये क्या है? एक सेल, और दूसरा फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन किससे हो रहा है? एक्सेल से, और दूसरा किससे हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल से। अगर एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो इसे हम कहते हैं सिनगैमी, सॉरी इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई से, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है? एक सेल से। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाता है? सिनगैमी। तो अगर हम बात, यहाँ पर फ्यूजन कितनी बार हो रहा है? दो बार, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। यही क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका स्पेशल फीचर है? एंजियोस्पर्म का स्पेशल फीचर है, स्पेशल फीचर ऑफ ऑफ एंजियोस्पर्म। और डिस्कवरी किसने की थी डबल फर्टिलाइजेशन की? तो
तो एक साइंटिस्ट थे नवाज चीन, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की थी डबल फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार देख लेते फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, एक एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, तो इस कंडीशन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और एक मेल गैमेट अगर एग सेल से फ्यूज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सिनगैमी। और टोटल मिला के यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं आप।